अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सैंडविच। सैंडविच भी बनाएंगे और कुछ नान बनाएंगे। उनके लिए पहले डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए अंडा ले लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। अंडा चला गया, अब इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून चीनी और 2 टीस्पून नमक। अब इसमें डालेंगे, ये मेरे पास देख लें खमीरा है, मैंने 2 टेबल स्पून खमीरे को पहले 10 मिनट पहले नीम गर्म पानी में हल कर दिया था और ये फूल गया, अपना खमीर छोड़ गया। आप भी इसी तरह किया करें। मिक्स करेंगे, मिक्स हो गया। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून घी, आपके पास तेल है तो आप 3 टेबल स्पून डाल दें। आप इसमें डालेंगे 1 किलो मैदा। अब इसको नीम गरम दूध से गूंद लेंगे। आटे को मैंने गूंद लिया है तो आटे को ज्यादा नरम नहीं करना, थोड़ा सख्त होना चाहिए। अब ऊपर थोड़ा सा ना मैंने घी लगा दिया, ऊपर ढकना है तो कोई चीज साथ चिपक ना जाए। अब इसको ढककर घंटा 2 घंटे जितने आपके पास टाइम है छोड़ देते हैं, उसके बाद सैंडविच बनाएंगे। मैंने पैन ऊपर रख दिया, उसमें 2 टेबल स्पून घी डाल दिया। आप डालेंगे प्याज, प्याजों को थोड़ा फ्राई करेंगे, प्याजों को थोड़ा सोते करेंगे। उसके बाद ये मेरे पास 3-4 जमे लहसुन के थे वो डाल दिए, लहसुन का कच्चापन दूर हो गया। ये मेरे पास 1/2 किलो चिकन ब्रेस्ट है, इसको मैंने स्लाइस में लंबाई में काट लिया, इसको फ्राई करेंगे। चिकन फ्राई हो गया, अब इसमें डालेंगे हम जायके के हिसाब से काली मिर्च और नमक, काली मिर्च पाउडर। अच्छा, यहाँ के यूरोप के जो लोग हैं इन्होंने रेड चिली पाउडर कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, जो भी खाना बनाते हैं काली मिर्च और नमक डालते हैं और चीज़ डालते हैं, इन्हीं से इनके ये टेस्ट निकालते हैं और जायके बनते हैं। तो यकीन जानिए जितना काली मिर्च से और नमक से टेस्टफुल चीज़ बनती है, इतनी रेड चिली से नहीं बनती। इसलिए आप भी कोशिश किया करें कि काली मिर्च और नमक बस सिर्फ ये इस्तेमाल किया करें तो जो खाना है टेस्टफुल बनेगा इंशाल्लाह। चिकन फ्राई हो गया, ये मेरे पास 1 शिमला थी, उसको लंबाई में पतले पतले कतले डाल दिए। साथ ही 1 छोटी डबिया मकई की थी, ये मकई जो होती है बाज़ार से दाने गले हुए इस तरह मिलते हैं, ये पकी हुई तैयार होती है, जैसे आप खोलो खाना शुरू कर दो। अब इनको मिक्स करेंगे, थोड़ा इनको भी नरम होने देंगे। ये पानी छोड़ता है चिकन भी सब्जी भी, जब देखें ये पानी इसका खुश्क हो गया। फिर इसमें डालेंगे करीम, 2 टेबल स्पून करीम डाल देंगे, इससे इसका टेस्टफुल बनेगा। अब ये तैयार है, इसको सेट पे कर देंगे ठंडा होने तक इंतजार। आटा मेरा तैयार हो गया था, उसकी मैंने पेड़े बना लिए, आप जितने बनाने चाहे इतने बना सकते हैं, मुझे तीन पेड़े बना लिए। अब इनकी सैंडविच बनानी है, पहले तो रोटी बनाते हैं। अब मैंने रोटी बना ली है, थोड़ा बड़ा करते हैं, बना ली है। अब इसको यूं करेंगे, पहले इसको यूं थोड़ा सा काट लेंगे, ये बन गई है, थोड़ा डिजाइन बन गया। दूसरे को ऐसे ऐसे सीधे इतने वक्फे में इसको कट लगाते जाएंगे, बस सिर्फ ये आपने डिजाइन बनाना है, एक ही दूसरे नहीं, दूसरे इसी तरह सारे कट लगा लेते हैं सीधे सीधे। अब इसको हम अंदर से भरेंगे, जो भी आपको बनाना चाहे डालना चाहे। अब इसके ऊपर डालेंगे चीज, चीज चलेंगे। अब इसको लपेटना शुरू करेंगे, लपेटेंगे यूं, पहले यहां से आगे से पकड़ेंगे,
ये इसकी एक चोंच बनानी है। फिर यूं से ऐसे पकड़ते जाएंगे, एक इधर से ले गया, एक इधर से ले गया, बेशक सुराख रहे हैं दरमियान में, सुराखों को बंद करने की जरूरत नहीं है। ये लिया दूसरा, ये लिया, ये इस तरह। अब ये इसकी आगे शेप इसको देनी है मछली की। अब इसको उठा के अपनी ट्रे में रखेंगे, ऐसे उठा लेंगे, हम सारे इसी तरह बना लेते हैं। अब हम इस पर अंडा लगा लेते हैं सारों पर, बेशक ऊपर से ये वक्फा रहने देना, बंद नहीं करना, बंद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे खूबसूरत लगेगा। अंडा लगा लेते हैं सब पे, अंडा लगा लिया। अब अवन गर्म है, अवन में रखेंगे। अभी तैयार हो गई है, अब इसको निकाल लेते हैं। छह दिन जी बिल्कुल मछली की शेप है, तो ट्राई करना, लग रहा है आपको पसंद आए। एक साथ ही ज़्यादा चाहूँगी, अल्लाह।